हे hey गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप्स वन थार्जेंडस कंप्यूटर्स टेस्ट का पार्ट वन तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज़ द मैन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स की मैन मेमोरी आपने बतानी है इन चार ऑप्शंस में से राइट right आंसर क्या होगा रैम ऑप्शन डी फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स दैट वी कैन सी एंड आर कॉल्ड कंप्यूटर्स के फिजिकल पार्ट्स कौन से हैं जिन्हें हम देख सकते हैं राइट right आंसर क्या है हार्डवेयर चूज द फुल फॉर्म ऑफ रैम रैम का पूरा नाम क्या है रेंडम एसेस मेमोरी द मेन पर्पज ऑफ अ कंप्यूटर्स इज टू कंप्यूटर्स का मेन पर्पज क्या होता है कन्वर्ट्स इनपुट इंटू आउटपुट्स यानी हम इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं गिवज़ अस यूजफुल इंफॉमेशंस ऑल ऑप्शन कन्वर्ट्स डेटा इंटू इन्फॉर्मेश राइट आंसर्स क्या है ऑप्शन सी हुव अस द आइडिया दैट अ प्रोग्राम्स कैन बी स्टोर इन एन एलेक्ट्रॉनिक्स मेमोरी राइट आंसर्स क्या है जॉन वॉन न्यू मैन लेटस्ट जनरेशन आफ कम्प्यूटर्स यूज विच काइंड आफ टेक्नोलॉजी लेटस्ट जो कम्प्यूटर्स की जनरेशन है यानी फिफ्थ जनरेशन उसमें कौन सी टेक्नालोजी का यूज़ किया गया है राइट right आंसर्स क्या है आल ऑफ दिज यानी आल ऑप्शनस नैनो टेक्नोलॉजी पेरल प्रोसेसिंगस आर्टिफिशस इंटेलिजेंस चूज द सिस्टम सॉफ्टवियर फ्राम द फॉलोइंगस ऑप्शनस यहाँ पे आपने चूज करने हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो कि नीचे चार दिए गए हैं इनमें से एक ऑप्शन राइट आंसर्स क्या है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर चूज़ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी हैं हार्ड डिस्क ऑल ऑप्शन सी डी या डी वी डी यू एस बी राइट आंसर्स क्या है ऑप्शनस डी सीडी की फुल फॉर्म्स क्या है कॉम्पैक्ट डिस्क डीवीडी नीचे कमेंट्स में बताइए यूएसबी की क्या है नीचे कमेंट्स में बताइए नेक्स्ट क्या है चूज द सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू ओपन एंड सेंड्स ईमेल हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं किसी भी ईमेल्स को सेंड करने के लिए या उसे रिसीव करने के लिए राइट right आंसर्स क्या है ब्रोजर का विंडोज ओ एस इज आ प्रडेक्ट ऑफ विच कम्पनी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स किस कंपनी का प्रोडक्ट है यानी इसको किसने डिवेलप किया है राइट right आंसर क्या है माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर्स कैन नाट बूट्स विद आउट एक कंप्यूटर्स कभी भी बूट्स नहीं हो सकते अगर उसके पास क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल्स ना हो वट इज द एक्सटेंशंस ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सल फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सल्स की एक्सटेंशन फाइल कौन सी है राइट right आंसर क्या है डॉट्स एक्स एल एस एक्स वट इज द डिफॉल्ट फाइल्स नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सल फाइल्स जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सल्स पर कोई काम करते हो तो उसमें डिफॉल्ट फाइल्स किस नाम से सेव होती है राइट right आंसर्स क्या आएगा वर्क बुक्स वन डॉट्स एक्स एल एस एक्स वट इज द कुलशंस ऑफ वर्कशीट्स कॉल्ड कुलेक्शंस ऑफ वर्कशीट्स को हम क्या कहते हैं एक्सेल में राइट right आंसर्स क्या होगा वर्क द टोटल्स नंबर ऑफ़ रोज इन आर्कशीट्स वर्कशीट्स में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं राइट right आंसर क्या है टेन लैक फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एम सी क्यों है द इंटर सेक्शंस ऑफ अलम्स एंड आर रो इन आर्कशीट्स इज कॉल्ड डैश एक्सल्स में कॉलम्स और रो जब आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं राइट right आंसर्स क्या है सेल डैश इज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू एम एस ऑफर्ड बाई गूगल्स राइट आंसर्स क्या है गूगल शीट आफ्टर प्रोसेसिंग इनपुट कंप्यूटर्स गिव्स आर सम्स यूजफुल कॉल्ड राइट right आंसर्स क्या है आउटपुट्स जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में इनपुट्स इंटर करते हैं उसके बाद जो हमें इंफॉमेशन्स मिलती है वहाँ से उसे हम क्या कहते हैं आउटपुट विच ऑफ द फॉलोइंग्स ऑप्शन डज नाट कंटेंस एन आउटपुट्स डिवाइस राइट आंसर्स क्या है सी पी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच ऑफ़ द फॉलोइंग्स इज नॉन वोलाटाइल्स मेमोरी नॉन वोलाटाइल्स मेमोरी इन चार ऑप्शंस में से कौन है रोम रीड ओनली मेमोरी चूज द मॉडर्न फाइल सिस्टम्स यूज्ड इन एमएस विंडोज यहाँ पे आपने चूज करनी है मॉडर्न फाइल सिस्टम्स जिसको हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में राइट right आंसर क्या है एन टी एफ एस वट इज द फुलफॉर्म ऑफ एन टी एफ एस नीचे कमेंट्स में बताइए विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन द फर्स्ट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स पहली जनरेशंस के जो कंप्यूटर्स थे उनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था राइट right आंसर क्या है वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर्स लिटरेसी डे इन दर्ल्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन कंप्यूटर्स लिटरेसी डे कब होता है राइट right आंसर्स क्या है दिसंबर सेकेंड चूज द वोला एंड टेम्परेरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स की वोला और टेम्परेरी मेमोरी आपने चूज करनी है कौन सी है राइट right आंसर्स क्या है रैम रेंडम्स एसेस मेमोरी एनेदर्स नेम्स ऑफ जंक ईमेल इज जंक ईमेल्स का दूसरा नाम क्या है स्पैम मेन कंपोनेंट्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन सा है राइट right आंसर्स क्या है यू एल एस आई माइक्रो प्रोसेसर विद ए आई आर्टिफिशल इंटेलिजेंस वट इज़ द फुलफॉर्म ऑफ यू एल एस आई अल्ट्रा लार्ज स्केल्स इंटीग्रेशन विच पार्ट ऑफ द सी पी यू परफॉर्म्स मैथामेटिकल्स ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लीकेशंस सी पी यू का कौन सा पार्ट परफॉर्म्स करता है मैथामेटिकल ऑपरेशन को यानी एडिशन उसमें आएगा सब्ट्रेक्शन मल्टीप्लीकेशन राइट आंसर्स क्या है अर्थमेटिक्स यूनिट्स इन कंप्यूटर्स मेमोरी यूनिट्स वन नेबर्स इज इक्वल टू हमारी कंप्यूटर्स मेमोरी के जो यूनिट्स है वन निबल्स उसमें कितने बाइट्स के बराबर होते हैं यानी बिट के भी आपके पास है राइट right आंसर्स क्या है फोर बिट्स के बराबर विच ऑफ द फॉलोइंगस networks इज कन्फाइंड टू अ स्मॉल एरिया सच एज़ विद इन buildings बिल्डिंग्स और विद इन सिटी यहाँ पे आपने ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका नेटवर्क स्मॉल एरियाज़ में यूज़ किया जाता है यानी बिल्डिंग्स में स्माल सिटीज में राइट आंसर्स क्या है लैंड लोकल एरिया नेटवर्क वट इज़ द फुल ऑफ मैन मेट्रोपोलीटेंट्स एरिया नेटवर्क और वैन की क्या है वाइड एरिया नेटवर्क फ्री ऑनलाइन वर्जन ऑफ एमएस एक्सएल इज नोन एज डैश माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फ्री ऑनलाइन वर्जन आपने बताना है इन चार ऑप्शन में से राइट right आंसर क्या है एक्सेल फॉर द वेब टू डिस्प्ले द ओपन डायलॉग बॉक्स प्रेस डैश राइट आंसर क्या है कंट्रोल प्लस ओ से क्या एमएसएस में डायलॉग बॉक्स ओपन होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सल वस्ट टाइम्स लॉन्च इन डैश बाई द माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सल फर्स्ट टाइम्स कब लॉन्च हुआ है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने ही डिवेलप किया है राइट right आंसर क्या है नाइनटीन एटी फाइव में फार्मूलाज इन एक्सल स्टार्ट विद डैश एक्सेल में हम हाँ फार्मूला किस से स्टार्ट करते यानी कौन सा सिंबल्स यूज करके हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला स्टार्ट करते हैं राइट आंसर्स क्या है इक्वल इन एक्सल्स विच इज़ यूज टू परफॉर्म्स अंडू ऑपरेशन एक्सेल में हम अंडू ऑपरेशंस कौन सी शॉर्टकट का यूज करते हैं राइट आंसर्स क्या है कंट्रोल प्लस जेड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस किसके लिए यूज होता है एनालिसिस डेटा इंट्री डेटा मैनेजमेंट या आल ऑफ़ दीज राइट आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ दीज द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन आर्कशीट वर्कशीट्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते राइट right आंसर्स क्या है सिक्सटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटी फोर वट इज दलॉ वि आ वर्कशीट वर्कशीट्स में कॉल विद कितनी होती है यानी कितने करेक्टर्स के बराबर राइट right आंसर्स क्या है टू फाइव फाइव करेक्टर्स द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स दैट आ सेल कंटें इज राइट आंसर्स क्या है थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी सेवन करेक्टर्स हाउ मेनी हाइपर लिंक्स कैन बी दियर्स इन आ वर्कशीट वर्कशीट्स में कितने हाइपर्स लिंक्स होते हैं राइट right आंसर्स क्या है सिक्सटी फाइव थाउजेंड्स फाइव हंड्रेड थर्टी हाउ मनी टाइम्स अंडू लेवल्स कैन बी यूज इन अर्कशीट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सल की वर्कशीट्स में हमसे कितनी दफ़ा अंडू कर सकते हैं राइट right आंसर्स क्या है हंड्रोड टाइम हाउ मैनी यूजर्स कैन ओपन द एक्सल फाइल एट द सेम टाइम्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सल की फाइल्स कितने यूज़र एक साथ में ओपन कर सकते हैं राइट right आंसर क्या है टू फिफ्टी सिक्स यूजर एम एस एक्सएल स्टैंड फॉर डैश राइट आंसर क्या होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सल क्या है एम एस एक्सल का पूरा नाम एम एस एक्सल्स इज अ डैश माइक्रोसॉफ्ट एक्सल क्या है राइट right आंसर्स क्या है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सल टू थाउजेंड्स नाइनटीन हेज़ कॉलम लिमिट ऑफ डैश एम एस एक्सल्स टू जो है उसमें कॉलम्स लिमिट्स कितनी है राइट right आंसर्स क्या है सिक्सटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटी फोर MS Excel 2019 has row limit of dash. MS Excel 2019 जो है उसमें रो कितनी होती है लिमिट यानी रो की लिमिट्स कितनी है राइट right आंसर्स क्या है टेन लैक फोटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स एम एस एक्स टू थाउजेंड्स नाइनटीन हैज़ मैगजिम इज़ ऑफ डैश राइट right आंसर्स क्या है टू फाइव फाइव करेक्टर्स की लिमिट होती है 2019 के एमएस एक्सल वर्जन में चूज द पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स सी पी यू सी पी यू के पार्ट्स आपने यहाँ पे बताने हैं कंट्रोल्स यूनिट्स, ऑल ऑप्शन लॉजिक्स यूनिट ऑर्थोमेटिक्स यूनिट राइट आंसर्स क्या है ऑप्शन बी पार्ट What kinds of operations is performed by a personal computers? personals computers may se operations performed hote. Right answers kya hai? All options. Output operations be processing operations B, inputs operations B. The modern revolutions in information technology is known as. मॉडर्नस रेवोल्यूशन्स जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की उसे हम क्या कहते हैं आपके पास चार ऑप्शनस हैं राइट right आंसर्स क्या है इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कम्प्यूटर्स इज टू कम्प्यूटर्स के मेन ऑब्जेक्टिव को हम क्या कहते हैं राइट आंसर्स क्या है कन्वर्ट्स डेटा इंटू इन्फॉर्मेशंस यानी हमें डेटा कन्वर्ट्स करता है किसी भी इन्फॉर्मेशन में मल्टी मीडिया इज अ मिक्सचर्स ऑफ मल्टी मीडिया किसका मिक्सचर्स है एनीमेशंस वॉइस टेक्स्ट ऑल ऑफ दिज राइट आंसर क्या है ऑप्शंस डी ऑल ऑफ दीज द प्रिंटेड फ्राम्स ऑफ इंफॉर्मेशन सम पेपर इज जब भी हम किसी पेपर्स पे प्रिंट करते हैं किसी इंफॉमेस को उसे हम क्या कहते हैं आपके पास चार ऑप्शनस हैं राइट right आंसर्स क्या है हार्ड कॉपी द डिवाइस विच आर यूज़ टू इंटर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर्स जब भी हम किसी भी डिवाइस से किसी डेटा को इंटर्स करते हैं यानी कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी इंस्ट्रक्शंस अप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं इनपुट डिवाइस यानी इनपुट से किसी भी डेटा को इंटर कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में एनअर टर्म्स यूज फॉर डेटा प्रोसेसिंग्स इज डेटा प्रोसेसिंग्स की अन अदर टर्म्स जो यूज करते हैं वो कौन सी है राइट right आंसर्स क्या है कंप्यूटिंग ए कंप्यूटर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड डैश कंप्यूटर्स क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर का एन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म्स ऑफ इंफॉमेशंस दैट वी कैन सी ऑन एल सी डी इज़ कॉल्ड जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेश है उसे हम किस पे देख सकते हैं एल सी डीज और उस सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं यानी सॉफ्ट कॉपी जहाँ पे हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन दिखती है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते द मेन ऑपरेशन्स ऑफ अ कंप्यूटर इंक्लूड राइट आंसर्स क्या है ऑल ऑफ दीज ये क्या है आउटपुट ऑपरेशंस इनपुट स्टोरेज ये क्या कम्प्यूटर्स के ऑपरेशन है विच इज नॉट अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है इन चार ऑप्शनस में से राइट right आंसर्स क्या है यू एस बी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की यहां पे एक एग्जाम्पल्स नहीं है वो आपने बतानी है कि कौन सी नहीं है राइट right आंसर्स क्या है एम एस ऑफिस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आपने यहाँ पे एक ऑप्शन बताना है यानी एग्जाम्पल्स एक होगी राइट आंसर्स क्या है एम एस ऑफिस बाकि ये क्या है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है द सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स एंड मनेज हार्डवेयर कंपोनेंट्स इज नोन एज हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को उसे हम क्या कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर द हार्डवेयर्स डिवाइस विच होल्ड इन्फॉर्मेश टम्प्रेरली आर नोन एज डैश कौन सा हार्डवेयर्स डिवाइस इंफॉमेशंस को होल्ड कर सकता है टेम्प्रेरली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में राइट आंसर क्या है प्राइमरी स्टोरेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस की यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है वो कौन सा है मोनिटर्स ये क्या आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस यहां पे आपने बताना है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है आपके पास चार ऑप्शन है राइट right आंसर क्या होगा की बोर्ड नेक्स्ट क्या है विच हार्डवेयर डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी टेक्स्ट इन टू कंप्यूटर्स रीडेबल्स टेक्सट कौन सी हार्डवेयर डिवाइस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं हार्ड कॉपी टेक्स्ट से रीडेबल्स टेक्स्ट में यानी सॉफ्ट कॉपी में राइट आंसर्स क्या होगा ओ सी आर चूज द करेक्ट एसोसिएशन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग्स यहाँ पे आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा कीबोर्ड क्या है इनपुट है आउटपुट है स्टोरेज है आपके पास चार ऑप्शन हैं राइट right आंसर्स क्या आएगा की क्या है ये एक इनपुट डिवाइस है चूज द करेक्ट एसोसिएशन बिटवीन हार्डवेयर एंड इट्स ऑपरेशन फ्रॉम्स द फॉलोइंग यहां पे आपने एक चूज करना है करेक्ट ऑप्शन जो कि हार्डवेयर के बीच में है तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। राइट आंसर्स क्या है मॉनिटर्स ये क्या आउटपुट डिवाइस है द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर आल्सो नोन एज इनपुट्स और आउटपुट डिवाइस को हम क्या कहते हैं राइट आंसर्स क्या है पेरीपेरल्स डिवाइस डैश इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर प्लेइंग्स गेम्स हम कंप्यूटर्स की गेम्स में सबसे ज्यादा कौन सा गैजेट यूज करते हैं आपके पास चार ऑप्शन हैं राइट आंसर्स क्या है जॉयस्टिक। स्टिक

विच टाइप ऑफ डिवाइस इज़ यूज टू रीड बैंक चेक जब भी हम इसे बैंक में किसी चेक को लेते हैं तो वहाँ पर उस चेक्स को रीड करने के लिए किस टाइप की डिवाइस का यूज़ करते हैं आपके पास चार ऑप्शनस हैं राइट आंसर्स क्या है मैगनेटिक्स इन करेक्टर्स रीडर द स्टैंडर्ड कीबोर्ड कीज फॉर्मेट्स इज स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है हमारे पास उसकी की फॉर्मेट्स आपने बतानी है राइट right आंसर्स क्या है क्यू आर टी विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशंस कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हम करते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेश के लिए राइट right आंसर्स क्या है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स कार्ड विच डिवाइस कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी टेक्स्ट और इमेज टू डिजिटल फॉर्म कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है किसी भी हार्ड कॉपी टेक्स्ट को या इमेज को डिजिटल फॉर्म में आपके पास चार ऑप्शन हैं राइट आंसर क्या है स्कैनर स्कैनर के थ्रू हम किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं एरो कीज़ ऑन की बोर्ड आर आल्सो कॉल्ड हमारा जो कीबोर्ड है उसमें चार एरो कीज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कर्सर कंट्रोल कीज़ द टर्म्स अपॉन्स विच वीडियो क्वालिटी डिपेंड्स इज राइट आंसर्स क्या है रेजोल्यूशन फुल फॉर्म ऑफ पिक्सल्स इज पिक्चर्स एलिमेंट विच इज नाट अ सेकेंड्री स्टोरेज डिवाइस सेकेंड्री स्टोरेज डिवाइस इन चार ऑप्शनस में से कौन सा ऑप्शन नहीं है राइट right आंसर्स क्या है कैच क्या क्या है ये एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग्स ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इन चार ऑप्शन में से आपने बताना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स कौन सी नहीं है राइट right आंसर क्या है एम एस ऑफिस ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच ऑफ़ द फॉलोइंगस डिवाइस इज़ मोस्ट कॉमनली यूज़ टू इंटर डेटा इन टू कम्प्यूटर्स हम ज़्यादातर अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में कौन सी डिवाइस से डेटा को इंटर कर सकते हैं राइट right आंसर्स क्या होगा कीबोर्ड विच इज़ नॉट अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इन चार ऑप्शंस में से कौन सी नहीं है राइट right आंसर्स क्या है यूएसबी ये क्या है ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है द हार्डवेयर डिवाइस विच होल्ड इंफॉर्मेश टेम्प्रेरली आर नोन एज कौन सी हार्डवेयर डिवाइस अपने इंफॉर्मेशंस को टेम्प्रेरली होल्ड कर सकती है राइट right आंसर क्या है प्राइमरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज में क्या क्या आपके पास आता है रैम्स कैच मेमोरी नेक्स्ट क्या है विच ऑफ़ द फॉलोइंगस ऑप्शन इज़ नाट एन इनपुट्स डिवाइस इनपुट्स डिवाइस इन चार ऑप्शन में से कौन सा नहीं है राइट right आंसर्स क्या है मोनिटर्स ये क्या आउटपुट्स डिवाइस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कैन नाट रन विद आउट एप्लीकेशन सॉफ्टवियर्यर्स क्या रन नहीं कर सकते थ्रो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स अगर इंस्टॉल्स नहीं होगा हमारे कम्प्यूटर सिस्टम में स्टोरेज डिवाइस विच होल्ड डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली आर नोन एज कौन सी स्टोरेज डिवाइस अपने डेटा को होल्ड कर सकती है या किसी भी प्रोग्राम्स को परमानेंटली स्टोर कर सकती है राइट right आंसर्स क्या है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी है नीचे कमेंट्स में बताओ द सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल एंड मैनेज हार्डवेयर कंपोनेंट इज नोन एज राइट आंसर क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या पूरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करती है और मैनेज करती है हर एक सॉफ्टवेयर को विच ऑफ़ द फॉलोइंगस ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की आपने यहाँ पे एक एग्जांपल्स है वो बतानी है राइट right आंसर्स क्या है एम एस ऑफिस मैन मेमोरी इज़ आल्सो नोन एज मैन मेमोरी को हम क्या कहते हैं प्राइमरी स्टोरेज हाउ मेनी शीट टैब्स आर अवेलेबल्स बाय डिफॉल्ट इन एम एस एक्सल माइक्रोसॉफ्ट एक्सल में शीट्स टैब्स कितने अवेलेबल्स होते हैं डिफॉल्ट थ्री ए प्रोग्राम्स विच इज़ यूज़ टू स्कैन कंप्यूटर्स एंड रिम्यू वायरस इज़ नोन एज़ कौन सा प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को स्कैन कर सकता है और किसी भी वायरस को रिमूव कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं एंटी वायरस सी डी डी वी डी इज़ एन एग्ज़ैम्पल्स ऑफ सी डी और डी वी डी एग्जाम्पल है सेकेंडरी स्टोरेज की द इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेट्स विच परफॉर्म्स मैथामेटिक्स एंड लॉजिकस ऑपरेशन इज कॉल्ड कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैथामेटिक्स और लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं सी पी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नेक्स्ट क्या है द टर्म्स अपॉन विच वीडियो क्वालिटी डिपेंड्स इज राइट आंसर्स क्या है रेजोलेशन रेजोलेशन क्या वीडियो क्वालिटी पे डिपेंड्स करती है कि कौन सी रेजोलेशन इस वीडियो में अवेलेबल्स है फुल फॉर्म ऑफ पिक्सल्स इज डैश फुल फॉर्म्स बतानी है अपनी पिक्सल्स की राइट right आंसर्स क्या है पिक्चर्स एलिमेंट विच टेक्नोलॉजी ऑफ मॉनिटर्स प्रोवाइड्स हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ इमेज हमारे मॉनिटर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है किसी भी इमेज को हाई क्वालिटी करने के लिए राइट right आंसर क्या है ऑप्शन सी क्यू एल ई डी विच इज़ द मोस्ट एडवांस्ड हाई स्पीड्स ग्राफिक्स कार्ड स्लॉट स्टैंडर्ड हाई स्पीड्स ग्राफिक्स कार्ड्स कौन सा होता है पी सी आई ई विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज इन फ्लैट्स पैनल्स डिस्प्ले कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं हम एफ पी डी में राइट right आंसर क्या है आल ऑफ़ दीज इन ओल्ड मॉनिटर्स विच टेक्नोलॉजी वॉज used? हमारे पास जो ओल्ड पुराने मॉनिटर्स थे उनमें किस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था सी आर टी कैथोड्स रे ट्यूब्स विच टाइप ऑफ आउटपुट्स यूजअली कम्प्यूटर्स जनरेट राइट आंसर्स क्या होगा ऑल ऑफ दिज यानि प्रिंट्स आन पेपरस ऑडियो डिस्प्लेड ऑन मोनिटर्स ये क्या जितनी भी आउटपुट्स की टाइप्स है ये हम अपने कम्प्यूटर सिस्टम्स में जनरेट कर सकते हैं